भीपरा डाला। पहले संभल में गैंगरेप के बाद जिंदा जलाया, अब उन्नाव की बेटी ने भी दम तोड़ दिया। बुलंद शहर की नाबालिग भी हुई दरिंदों का शिकार। रेप की घटनाओं में कुछ तो करो सरकार। आखिर कब सुरक्षित होंगी यूपी की बेटियां? हैदराबाद की महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देने के बाद उसे जलाने वाले हैवानों का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन हैदराबाद की घटना से भी बलात्कारियों ने कोई सबक नहीं लिया। संभल, हैदराबाद, उन्नाव और अब बुलंदशहर में एक नाबालिग बेटी को चार दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। जहां खेत में सब्जी तोड़ने गई एक 14 साल की नाबालिग किशोरी को तीन नाबालिग लड़कों ने खेत में बंधक बना उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने गैंगरेप का एक वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के बाद किशोरी ने डर के कारण किसी को भी वारदात की जानकारी नहीं दी, लेकिन जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो घटना की खबर पीड़ित किशोरी के परिजनों को भी हो गई। आनन फानन में पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला चिकित्सालय भेज दिया। वहीं शिकायत मिलने पर गैंगरेप की घटना को अंजाम देने वाले तीनों नाबालिग आरोपियों और वीडियो वायरल करने वाले चौथे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल 3 दिसंबर को जब नाबालिग किशोरी खेत में रोजाना की तरह सब्जी तोड़ने गई थी तभी गांव के ही इन तीन दरिंदों ने किशोरी को बंधक बना लिया और बारी बारी से खेत में ही अपनी हवस का शिकार बनाया। आरोप है कि दरिंदों ने किसी को घटना के बारे में किसी को भी बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, पीड़िता का गैंगरेप करने के दौरान एक वीडियो भी बना लिया। यही कारण था कि पीड़िता ने किसी को भी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और चुपचाप सारा दर्द खुद ही सहती रही। लेकिन जब एक अन्य आरोपी ने गैंगरेप का वीडियो वायरल कर दिया तो घटना की खबर पीड़िता के घर वालों को भी हो गई और उन्होंने आनन फानन में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। घटना ये था, मेरी बचपन भतीजी गांव में मतलब अपनी दादी के साथ रहे और मतलब इन तीन भेड़ियों ने जैसा मैंने सुना है और मतलब ये कह ले जाकर और मतलब ये उसकी मतलब ये कह जो भी कुछ है अपना मतलब ये करा और उसके बाद में उसकी वीडियो बनाई, वीडियो गांव में वायरल करी। चौथे आदमी ने वो वायरल करके सूचना मिली किसी अन्यथा मतलब किसी आदमी को, जब उसने मुझे फ़ोन करा, मैं सा हिमाचल प्रदेश में रहूं, जब मैं यहाँ आया हूँ लड़की को थाने ले गया, थाने को मतलब ये एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन मतलब थाने वालों ने मतलब साहब बुलंद सर मतलब डॉक्टरी को भी जो भेजा अपनी कैसिडी में और वहाँ जाकर मतलब ये कि मैंने डॉक्टरी कराई, डॉक्टरी करा के उसके बाद वहाँ से मैं लौट रहा यहाँ से फोन को दोबारा कैसा मतलब ये कि तुम बुलेंसर ही रखोगे पुलिस की कैसिडी में, वहाँ से मतलब वापस करे बुलेंसर मतलब वहाँ छोड़ के उनके पास और मतलब ये चार बंदे में अपने और दो पुलिस वाले और मतलब ये कि उनकी कैसिडी में पुलिस में वहीं मतलब हॉस्पिटल में और मतलब एक कमरा में अलग बैठा कर और मैं वहाँ से गाड़ी लेकर निकला।
पुलिस की माने तो पीड़िता के चाचा ने जैसे ही चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया, उसके दो घंटे के अंदर ही सभी चार आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी का कहना है कि आरोपी चूंकि सभी नाबालिग हैं, इसलिए जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी और सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। शाम 4 बजे पहासू थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा थाने पे जाकर के एक तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी भतीजी के साथ 3 तारीख को, इसी महीने की 3 तारीख को, गांव के ही उसके खानदान के 3 लड़कों द्वारा बलात्कार किया गया और एक चौथे लड़के द्वारा, आज कोई वीडियो जो उस समय बनाया गया था उसको वायरल किया गया। इस सूचना पर तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया और 2 घंटे के भीतर ही पुलिस ने चारों नामित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने वीडियो वायरल किया था उसे और जो आरोपी हैं। इसमें ये उल्लेखनीय है कि ये चारों लड़के नाबालिग हैं और वो बच्ची जिसके साथ बलात्कार किया था वो भी नाबालिग है, तो फिलहाल आवश्यक वैधानिक कार्रवाई। फिलहाल गैंगरेप हो या फिर रेप, ये सभी घटनाएं दिल को दहला देती हैं। अभी हाल ही में उन्नाव की एक बेटी के साथ गैंगरेप के बाद उसे जिंदा जला दिया गया और आज उस बेटी ने दिल्ली के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। आए दिन बढ़ रही ये सभी वारदातें कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े करती ही हैं, साथ ही ये भी बताती हैं कि हमारी न्यायपालिका कितनी मजबूत है। और शायद यही कारण था कि हैदराबाद की घटना में पुलिस ने पीड़िता को त्वरित इंसाफ दिलाया और सभी चार आरोपी पुलिस की गोली का शिकार बने। स्पेशल डेस्क के न्यूज। यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर।